नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, आप देख रहे हैं वोकल टीवी। और अभी मैं मौजूद हूँ शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सुखाताल में, और यहाँ की जो स्कूल की समस्याएं हैं और पढ़ाई कैसे संचालित होती है इस स्कूल में, हम बच्चों लोगों से बात करेंगे। और बच्चों लोगों से बात करने के बाद प्राचार्य महोदय से भी जानेंगे कि किस प्रकार से यहाँ की पढ़ाई की व्यवस्था है। अभी हम कक्षा 9वीं में मौजूद हैं और यहाँ तमाम बच्चे लोग हैं, इनसे चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ का पढ़ाई का स्तर है। क्या नाम है? मैं सत्यम साहू। सत्यम साहू, क्या पढ़े हो सत्यम? अभी 9वीं में पढ़े हैं हम 9वीं। कितने सब्जेक्ट हैं? 6। कौन कौन सा? हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, संस्कृत। क्या समझते हैं स्कूल में? वैसे कुछ नहीं है समस्या। ये जो प्रोजेक्टर लगा है उसका उपयोग होता है? दिखाते हैं प्रोजेक्टर में कुछ? नहीं दिखाते हैं। नहीं। क्या क्या पढ़े हो अभी तक? हिंदी संस्कृत पढ़े। घबरा के मत बोलो, क्या नाम है? क्या क्या पढ़े हो कुलदीप अभी तक? अभी तक हिंदी, गणित, संस्कृत। बोलो ना जो पढ़े वो बोलो। गणित, संस्कृत, बस। गणित और संस्कृत बस पढ़े हो? क्या पढ़े गणित में? गणित में अभी पाठ पढ़े। क्या समझते हैं स्कूल में? सर लोग पढ़ाते हैं बढ़िया? यस। कौन कौन सा क्लास लगता है? सभी क्लास लगते हैं। हिंदी विंदी लगता है? संज्ञा जानता है? संज्ञा नहीं जानता। क्या पढ़े हो पूरन बताओ? अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हो? हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी। अच्छा, कौन कौन सा सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है यहाँ? हिंदी, गणित, विज्ञान, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान। सभी सर आते हैं पढ़ाने? यस, आते हैं। आज कौन कौन सा क्लास लगा है? आज गणित, संस्कृत और विज्ञान। क्या पढ़े हो विज्ञान में? विज्ञान में अभी क्लास लगा है ना भाई? यस। तो क्या पढ़े हो बताओ? अभी नहीं पता है? नहीं लगता क्या क्लास? लगता है। तो बताओ ना। ध्वनि वाला पार्ट। ध्वनि क्या है? आवाज। आवाज है मतलब कंपन होता है। बताओ यार, क्या समस्या है स्कूल में? समस्या तो कुछ नहीं है। समस्या कुछ नहीं है? खेल कूद होता है? होता है, प्रति प्रति साल होता है, हर वर्ष। खेलने के लिए सर लोग बाहर निकालते हैं? समय में सर, मतलब समय रहता है उसका। यस। और सामान है खेल कूद का? है सर। क्या क्या सामान है? बैडमिंटन, चिड़िया, क्रिकेट, फुटबॉल और बहुत सारे है सर, कैरम। खेलते हैं पूरा मतलब? यस। और क्या क्या है? और स्काउट गाइड वगैरह कुछ होता है? स्काउट गाइड नहीं है सर। नहीं होता? नहीं होता। और पढ़ाई? पढ़ाई होता है सर। कितने सब्जेक्ट का होता है? होता 6 सब्जेक्ट होता है पूरा। 6 क्लास लगता है? लगता है, कुछ कारण वजह से कई सर मैम नहीं आते, कई दिन तो नहीं होता सर। क्लास लगता है हिंदी, गणित, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान। आज कौन कौन सा लगा है बताओ? संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में राजनीति पढ़ते हो? यस सर। क्या होता है राजनीति? अच्छा ये बताओ, छत्तीसगढ़ का गृह मंत्री कौन है अभी? नहीं पता। और मुख्यमंत्री? नहीं जानते। कौन है मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का? विष्णु देव साय। और गृह मंत्री? विजय शर्मा। क्या नहीं है, क्या समस्या है क्लास में? कुछ नहीं। कुछ समस्या नहीं है? नहीं है। सर लोग बढ़िया पढ़ाते हैं? यस सर। कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई होता है यहाँ? हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित। समस्या क्या है बाथरूम वगैरह में? कुछ कुछ नहीं, सब ठीक ठीक ठाक है। यस सर। पानी वानी आता है? यस सर। और जैसे कि पानी वानी पीना रहता है फिर कहाँ पीते हो? वहाँ पर नल है, वहाँ से पीते हैं। और वाटर कूलर नहीं है? पानी वानी पीने के लिए कुछ व्यवस्था है? है। यस सर।
ठीक, और क्या समस्या है बताओ? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं समस्या? नहीं। छत्तीसगढ़ में कौन है शिक्षा मंत्री? शिक्षा मंत्री नहीं सर, यार नहीं जानते। बताओ भेजिए को, बताओ। नहीं बताए क्या सर लोग? श्री मृद मोहन, ब्रिज मोहन अग्रवाल जी। गीत, अंग्रेजी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। अच्छा ठीक, तो हिंदी विंदी में संज्ञा वंज्ञा पढ़े होंगे? संज्ञा पढ़े हैं। पढ़ाए सर लोग? अभी मैम नहीं पढ़ाए, अभी नहीं आ रहे हैं कुछ कारणवश ना, तबीयत खराब है तो अभी नहीं आए हैं। और इंग्लिश में कुछ? इंग्लिश में अभी नाउन बताई हैं। क्या होता है नाउन? नाउन इज द एनी पर्सन प्लेस और थिंग्स, एग्जाम्पल राम, श्याम, रायपुर। ठीक, गुड। और संस्कृत वगैरह में क्या क्या पढ़े हैं? संस्कृत में अभी संज्ञा, संस्कृत में भी तो होता है ना ग्रामर वगैरह? ग्रामर पढ़ा रहे हैं सर अभी। ठीक ठीक ठीक, बढ़िया। और क्या चल रहा है यार स्कूल में? पढ़ाई लिखाई चल रहा है? खेल कूद। और सभी चीज़ चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ। कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं, नहीं। बढ़िया पढ़ा रहे हैं सर लोग? यस। क्या क्या पढ़े हो? बहुत पढ़ रहे हैं। बताओ क्या पढ़े हो, हिंदी में क्या पढ़े हो, इंग्लिश में क्या पढ़े हो, एक आध तो कुछ बताओ ना यार, अच्छा पढ़ा रहे हैं तो। इंग्लिश में टेंस वेंस। हाँ, टेंस क्या होता है? काल। वो कितने प्रकार का होता है काल? तीन। कौन कौन सा? प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अच्छा ठीक ठीक, बढ़िया। बताओ यार प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस नहीं पता है। नहीं जानते? और क्या पढ़े हो? सभी विषय पढ़ते हैं। सभी से पढ़ते हो? विज्ञान में क्या पढ़े हो? नवीं में? विज्ञान में आज पेट्रोलियम पढ़े हैं, पेट्रोलियम पार्ट। पेट्रोलियम? और उससे पहले? उससे पहले और की पार्ट पढ़े लेकिन मैं भूल चुका हूँ। अच्छा ठीक, पढ़ाई नहीं करते क्या घर में? नहीं। पढ़ाई किया करो यार, जब तक मेहनत कर। कौन कौन सा सब्जेक्ट का आज पढ़ाई हुआ? हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान। क्या पढ़े हो सामाजिक विज्ञान में आज? आज सामाजिक विज्ञान नहीं हुआ है। नहीं पढ़े हो? ठीक, पर्यावरण जानते हो? पर्यावरण तो पढ़े होंगे ना, क्या होता है पर्यावरण? नहीं जानते। ठीक, क्या होता है पर्यावरण? क्या नाम है? मेरा नाम ओम प्रकाश कृत लहरे है। कौन सा क्लास में हो अभी आप? टेंथ क्लास में। टेंथ में क्या क्या पढ़े हो अभी टेंथ में? टेंथ में बहुत से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत। क्या समस्या है यहाँ? वैसे कोई समस्या नहीं, दो विषय के शिक्षक नहीं है। शिक्षक नहीं है? कौन कौन से सब्जेक्ट का टीचर नहीं है? इंग्लिश और विज्ञान। तो फिर अभी कैसे पढ़ाते हैं इंग्लिश विज्ञान, कौन पढ़ाते हैं? इंग्लिश राजपूत सर पढ़ा लेते हैं और विज्ञान हमारे शर्मा सर पढ़ा लेते हैं और हम लोग पढ़ लेते हैं आराम से। ठीक, दोनों सब्जेक्ट का समस्या ज़्यादा होता होगा है ना पढ़ने में? हाँ होता है थोड़ा बहुत। और बाकी ऐसी कुछ समस्या नहीं, बाकी सब ठीक है। ठीक ठाक है, सभी सब्जेक्ट का बाकी लगता है क्लास? हाँ डेली लगता है। हाँ डेली लगता है। क्या क्या पढ़े हो अभी तक? अभी तक गणित में अभी हम लोग 15 पार्ट में हैं और संस्कृत में व्याकरण पढ़ रहे हैं और इंग्लिश में भी व्याकरण चल रहा है। और हिंदी में? हिंदी में अभी 15 पार्ट में उसी में आए। अच्छा ठीक, इकाई 3। सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं? हाँ पढ़ाते हैं। कौन कौन सा सामाजिक विज्ञान में 4 पार्ट होता है? कौन कौन सा 4 पार्ट होता है? भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और कौन सा होता है? नहीं जानते? नहीं। राजनीति? हाँ राजनीति। ठीक, तो राजनीति पढ़े हैं? हाँ पढ़े। क्या होता है राजनीति? राजनीतिक में अधिकार? नहीं 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 जानते? नहीं। क्या होता है राजनीति जानते हो? नहीं। नहीं जानते? नहीं। बताओ यार क्या होता है राजनीति? राजनीति में
अच्छा नहीं जाते। अच्छा छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णु देव साय। और गृहमंत्री? गृहमंत्री श्रीमान विजय शर्मा जी। और अरे एकदम आराम से बताओ, कोई टेंशन नहीं है, नहीं जानते। विजय शर्मा जी और एक और है अरुण साहू जी। अरुण साहू जी, ठीक ठीक ठीक। और क्या पढ़े हो? हिंदी हिंदी में ग्रामर वगैरह पढ़ाते हैं? जी सर। क्या पढ़े हो ग्रामर में? संज्ञा वगैरह पढ़े हो? जी सर। क्या होता है संज्ञा? संज्ञा संज्ञा किसी वस्तु स्थान जगह को बोध कराने वाले को संज्ञा कहते हैं। ठीक ठीक ठीक। हाँ, क्या पढ़े हो संस्कृत में? अभी हम सर ग्रामर ही व्याकरण खंड पढ़ा रहे। क्या क्या पढ़े हो ग्रामर में अभी? अभी तो हम विभक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। बढ़िया पढ़ाया ना संस्कृत में सर? हाँ पढ़ा रहे। हाँ मस्त पढ़ाते। समस्या थोड़ी है कुछ? नहीं नहीं, कुछ समस्या होगा तो बताओ दिल खोल के। नहीं भैया मस्त पढ़ाते हैं। मस्त पढ़ाते हैं। हाँ हाँ। और बाकी जो हिंदी और इंग्लिश और साइंस का नहीं होता? हाँ उसको कवर कर रहे हैं सर। हाँ हाँ हो जाता है जी। और जैसे समझ नहीं आता तो पूछते हैं, बताते हैं सर। हाँ ठीक ठीक ठीक। और क्या सर? सब ठीक है। हा? सब ठीक है। पानी वानी बढ़िया आता है? आता है। ठीक। और क्या क्या होता है स्कूल में पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा कभी कभी लंच में खेल खेलते हैं, और 3:30 बजे के बाद फिर खेल खेलते हैं, उसके बाद छुट्टी हो जाता है। 4 बजे छुट्टी हो जाता है। हाँ ठीक। तो खेल के लिए यहाँ टीचर है क्या? सर ही लोग बताते हैं कि आप ही लोग? सर ही लोग बताते हैं। अच्छा ठीक ठीक। और क्या क्या समस्या है यहाँ? और बस टीचर बस नहीं है, टीचर की कमी है। यस। और अभी 10वीं में बोर्ड है ना जी, कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज कर लेते हैं पढ़ाई करके, जो समस्या रहता है उसको सर से पूछते हैं। बताते हैं सर लोग? बढ़िया। हाँ बताते हैं। कोई समस्या थोड़ी है सर लोग बता नहीं बताएंगे, ऐसा कुछ बोलती थोड़ी है? नहीं नहीं बोलते सर लोग, बताते हैं ना। हाँ बताते हैं। और क्या समस्या है? बाथरूम वगैरह में समस्या रहता है गर्ल्स लोगों का ज़्यादा? नहीं सब चीज़ है। सब चीज़ है ना। हाँ बाकी पढ़ाई वढ़ाई ठीक ठाक चल रहा है? हाँ सब ठीक चल रहा है। ठीक। और बताओ क्या समस्या है? समस्या तो वैसे कुछ नहीं है, बस 2 सब्जेक्ट का टीचर नहीं अच्छा, है। गणित पढ़ते हो? हाँ जी। गणित में अभी क्या पढ़े? अभी हम 15 अध्याय पढ़ रहे हैं। पहाड़ा वाड़ा जानते हो? हाँ जानते हैं। कितने तक याद है? अभी तो पहाड़ा मेरा 20 तक बस याद है। ठीक। गणित में क्या पढ़े? गणित में हम बहुत कुछ पढ़े हैं, जैसे कि आयतन वायतन और ज्यामिति रचना, मतलब तीन आकृतियों से बनकर बनता है उसे त्रिभुज कहते हैं। मेरा नाम नेहा वर्मा। क्या पढ़े होने हैं अभी तक? अभी तक हम सब पढ़े हैं। इंग्लिश में क्या पढ़े हैं? टेंस पढ़ रहे हैं। क्या है होता है टेंस? टेंस 3 प्रकार के होता है, पास्ट सिंपल प्रेजेंट। पास्ट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 प्रकार का होता है जी, है ना। क्या पढ़े हो टेंस में अभी? क्या होता है टेंस? टेंस किसे कहेंगे? टेंस नहीं जानते। ठीक है बताओ क्या होता है टेंस? जानते हो? पढ़ाए सर? यस। बताओ तो, पढ़ाए हैं तो सर। नहीं पता किसको पता है टेंस? कौन जानता है टेंस क्लास में? देव कुमारी वर्मा। क्या पढ़े हो देव कुमारी? साइंस में क्या पढ़े हो बताओ? साइंस में हम लोग अभी रसायन वो। अच्छा कोशिका वगैरह कुछ पढ़े हो? हाँ। क्या होता है कोशिका? कोशिका कोशिका छोटे कोशिकाओं से मिलकर बने कोशिका को कोशिका कहते हैं। छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर कोशिका बनती है, छोटे छोटे अणुओं से बनकर को कोशिका कहते हैं। क्या नाम है? अच्छा स्कूल की समस्या बताओ।
क्या समस्या? स्कूल में कुछ समस्या नहीं है, बस दो विषय का टीचर नहीं है, वही एक समस्या है। हाँ, सबसे बड़ा समस्या वही है। हाँ, बाकी गणित थोड़ी बढ़िया पढ़ाई होता है? हाँ, सब ठीक होता है। और इंग्लिश वगैरह सब ठीक होता है? अभी तक कौन कौन सा क्लास लग चुके हैं? अभी गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। डेली क्लास लगता है सभी सब्जेक्ट का? हाँ। कि नहीं लगता है? लगता है। साइंस और इंग्लिश का छोड़ के? हाँ, बाकी सब ठीक ठाक है। ठीक है। बताओ तुलसी, क्या क्या पढ़े हो अभी तक? अभी तक हिंदी, अंग्रेजी। नौवीं कक्षा में हो आप? यस। बाहर आता है एक दो एकम दो दो दूनी चार? यस सर। कितने तक याद है? अभी 15 तक से। नौ का बोलो तो? नौ एकम नौ, नौ दूनी 18, नौ तीन 27, नौ चौक 36, नौ पंचे 45, नौ छक्के 63, नौ छक्के 63, नौ छक्के 63, नौ सत्ते 64, नौ आगे अभी हो रहा है हिंदी। उसके बाद ना, मतलब पहले हुआ था सामाजिक विज्ञान, गणित, संस्कृत और अभी हिंदी पढ़ रहे हो। ऐसे अनारा से आम आता है? बताओ तो। ऐसे अनारा से आम, इसे इमली, इसे ही उसे उल्लू, उसे ऊन, ऋषि ऋषि, इसे अड़ी, ऐसे अड़ी, ओसे उकली, ओसे मतलब ओसे उकली, ओसे औरत, आम संगूर, आगे भी क ख ग घ अंग च छ झ झ इया ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल स स स ह अक्षत्र ज्ञ अढ़ी अढ़। और हिंदी में अभी मैम कुछ पढ़ाएं ग्रामर में? जी सर, समझाए थे। क्या क्या पढ़ाए हैं ग्रामर में? रस समझाए थे। रस पढ़ाए हैं? क्या होता है रस? मतलब अच्छा, रस कितने प्रकार के होते हैं पता है? जी सर, 10 प्रकार के। 10 प्रकार के होते हैं? नहीं, मतलब उसके या वो होते हैं, तीन प्रकार के रस होते हैं उसके, वो होते हैं मतलब 3 की 10। वर्मा, पूरा वर्मा वर्मा है क्या यहाँ? यस सर। ठीक, बताओ वर्मा, क्या समस्या है यहाँ? कुछ नहीं। कुछ समस्या नहीं? नहीं। ABCD जानता है? हाँ। ले तो बोल। A for apple, B for ball, E for elephant, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। इंग्लिश में ग्रामर वगैरह पढ़े? यस। क्या क्या पढ़े ग्रामर? टेंस से नाउन। टेंस क्या होता है? याद नहीं है। बताओ क्या होता है टेंस? याद नहीं है। पढ़े हो? यस सर। ठीक, बताओ क्या होता है टेंस? पढ़े हो ना? यस सर। पढ़ाए सर, क्या होता है टेंस? नहीं पता। अच्छा, क्या पढ़े हो बताओ, जो पढ़े हो उसी पूछूंगा। क्या पढ़े हो? टेंस, नाउन, प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ जो समस्या है, क्या क्या समस्याएं होती है आप लोगों को, लड़की लोगों? कुछ नहीं। कुछ समस्या नहीं? नहीं, सब चीज़ का समाधान मिल जाता है। क्या साहू, क्या क्या पढ़ाई चल रहा है? ठीक चल रहा है। ठीक है, ठीक चल रहा है। हाँ, क्या क्या पढ़े हो अभी तक? हिंदी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, गणित, इंग्लिश। सामाजिक विज्ञान में क्या क्या पढ़े हो? राजनीतिक, लोकतांत्रिक, लोकतंत्र और राजनीतिक। विज्ञान में भी भूगोल वगैरह कुछ होता है ना? हाँ, राजनीतिक, अर्थशास्त्र, भूगोल और नागरिक शास्त्र। क्या होता है भूगोल से, क्या समझ सकते हैं? भूगोल से पृथ्वी की भूभाग की भूगोल पृथ्वी की धरातल और गोल होने के कारण उसे भूगोल कहते हैं। और राजनीतिक? राजनीतिक लोकतंत्र द्वारा हर राज्यों में निर्णय के लिए उसे ग्रहण करना या फिर उसे प्रसार करने को ही राजनीति कहते हैं। और हिंदी वगैरह में कुछ ग्रामर वगैरह पढ़े हो? ग्रामर अभी नहीं पढ़े मैम, का तबीयत खराब होने के कारण, पर पाठ से संबंधित पढ़े हैं। पाठ से संबंधित पढ़े? हाँ, कभी। और इंग्लिश में कुछ? इंग्लिश में पढ़े हैं पर अभी याद नहीं है। अभी कौन कौन से सब्जेक्ट का क्लास नहीं होता?
अभी ना राजपूत सर का अभी उसका तबीयत भी थोड़ा सा डाउन एक ख़राब है ना, तो वो भी कम आते हैं और मैम का ऑपरेशन हुए तो कम आते हैं। हमारे साथ शर्मा सर हैं और प्रिंसिपल अभी छुट्टी में हैं, तो अभी शर्मा सर ही प्रभार में हैं। इनसे जानते हैं कि सुखाताल के जो स्कूल है उसमें क्या क्या समस्याएं हैं और बच्चों लोग जो समस्या बताए हैं आखिर वो समस्या कब तक समाधान होगी, ये सर से चर्चा करके जानते हैं। सर स्वागत है हमारे वोकल टीवी में। धन्यवाद सर। यहाँ टोटल कितने छात्र छात्राएँ हैं? कुल संख्या तो अभी टोटल छात्रों की संख्या 75 है। हाँ। और छात्राएँ? छात्राएं सर 42 छात्राएं हैं और 33 छात्र हैं। जी सर, यहाँ क्या क्या समस्या है? समस्या तो ऐसे, अपन बाई स्टाफ बहुत ही अच्छे हैं, सभी विधिवत तरीके से क्लास लेते हैं जिनसे जो बन पड़े। यहाँ दो सब्जेक्ट का वैसे कमी है, इंग्लिश और विज्ञान। तो इंग्लिश का एक हमारे जो विज्ञान सहायक हैं लैब असिस्टेंट वो पढ़ा लेते हैं, और विज्ञान मेरे को ही लेना पड़ता है चूँकि मैं संस्कृत का टीचर हूँ और विज्ञान में ही लेता हूँ। कुल मिला के सभी सब्जेक्ट में पढ़ाई हो जाती है। सर अभी बोर्ड क्लास है और टीचर की कमी है, सर कैसे मैनेज करते होंगे? अब मैनेज क्या, देखिए अपना कर्तव्य कि हम पूर्णतया से निभा रहे हैं तो समझिए कि मैनेज हो जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से बच्चों की कुछ स्तर, हम ये नहीं कह सकते उनका स्तर कम है, पर ये ज़रूर है कि हर बच्चे की जो बुद्धि लब्धि होती है वो अलग अलग होता है। तो कुछ बच्चों के लिए ज़्यादा प्रयास करना पड़ रहा है और हम 26 जनवरी के बाद लगभग एक महीना हम केवल कमज़ोर बच्चों के लिए, केवल उन पास कैसे हुआ जाए उस विषय पर हम लोग पूरा फोकस करने वाले हैं। अच्छा, होशियार बच्चे तो अपना कर ही लेंगे। जी, तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्या प्रक्रिया है सर? एक्स्ट्रा क्लास की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अच्छा। मैं जहाँ तक मानता हूँ अगर अपने सब्जेक्ट टीचर अपने पीरियड में ही उन विषयों को पढ़ा लेते हैं और बच्चों को समस्या नहीं है तो एक्स्ट्रा क्लास की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से लगाया जाएगा। और एक्स्ट्रा क्लास हम लगा भी सकते हैं 26 जनवरी के बाद बोर्ड एग्जामिनेशन की विशेष तैयारी के लिए, अपन कुछ ना कुछ तो ज़रूर करते हैं। सर टोटल कितने हैं स्टाफ में अभी? स्टाफ में देखिए दो चार मुख्य सब्जेक्ट टीचर हैं और एक विज्ञान सहायक है, कुल 5 है अभी। तो 5 लोग में अभी 3 लोग आए हैं सर, 2 लोग नहीं हैं। एक डीएड में उनका 10 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है चूँकि वो डीएड कर रहे हैं गवर्नमेंट मतलब मान्यता लेके, उसके बाद और 10 दिन का प्रशिक्षण में गया महाराजपुर डाइट, और प्रिंसिपल मैडम अभी मेडिकल अवकाश में है, रायपुर में है। सर वो जो दो सब्जेक्ट का जो समस्या है वो समाधान कब तक हो जाएगा सर, क्योंकि बच्चे लोग कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट पड़ता होगा दो सब्जेक्ट? अरे दो सब्जेक्ट की जो समस्या वाली बात है निश्चित रूप से है, विषय शिक्षक विषय शिक्षक ही होते हैं, उसका समस्या का समाधान किया जाएगा। एसएमडीसी भी इस विषय को जानते हैं और एसएमडीसी के द्वारा भी समय समय पर उच्चाधिकारियों तक की बात पहुंचाई जाती है, और उच्चाधिकारी भी समय समय पर जो भी सहयोग बन पड़ता है निश्चित रूप से सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक, ये रहे प्रभारी प्राचार्य सर। और इस स्कूल में मात्र एक ही समस्या है, साइंस और इंग्लिश के टीचर नहीं हैं, जिससे बच्चे लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि आगे अभी 10वीं का बोर्ड एग्ज़ाम है जिससे कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए वोकल टीवी। मेरे साथ सहयोगी देवेंद्र वर्मा के साथ मैं अभिषेक वर्मा।